जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सहारनपुर में 4 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। देर रात बाइक सवार हथियार बंद 4 बदमाशों ने चिलकाना क्षेत्र के बटगांव में लूटपाट का प्रयास किया एवं एक युवक की बाइक लूट ली। युवक ने जब शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और 4 बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया, जिनके कब्जे से एक देशी तमंचा भी बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही चिलकाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को थाने ले गई। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि बदमाश लूट करके भाग रहे थे तो ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सरसावा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। इस घटना से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि बदमाशों को कठोर सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई और इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। पुलिस का कहना है कि बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उनके आपराधिक इतिहास का खुलासा होगा। पुलिस ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है कि उन्हें बदमाशों को पकड़कर पुलिस की मदद की। एक सराहनीय कार्य है कि ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस की मदद की है। यह अपराधियों के लिए एक सबक है कि वे किसी भी तरह की गलत हरकत करने से पहले सोचेंगे। जी हाँ, कल रात को करीब 9:30-10 बजे के बीच की सूचना है। वादी द्वारा सूचना दी जाती है कि जब वो गांव गुमटी और बड़गांव के बीच में जो रास्ता पड़ता है थाना क्षेत्र चिलकाना में, जब वहाँ से वो अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, तभी 4 लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए, उसको तमंचा दिखाया, चाकू के बल पर उससे मोटरसाइकिल और उसका पर्स छीन लिया। वो जब मोटरसाइकिल और पर्स उसने छीन लिया तो वो 4 जो लुटेरे थे वो 2 मोटरसाइकिल में हो गए, 2-2 के पेयर में, और उसके बाद वहाँ से भाग निकले। ये जो वादी था, वादी ने अपने भाई से मदद ली, उसके पीछे वो बाइक पे बैठा, उसके पीछे पीछे वो उन्होंने पीछा किया, और ग्रामीणों जो वहाँ के ग्रामवासी गाँव वाले थे उन्होंने भी बताया कि किस डायरेक्शन में वो गया है। इस तरह से पूरी घटना को आपस गाँव वालों ने और ये वादी ने खुद ही उसमें से 3 लुटेरे पकड़ लिए। अपनी PRV भी वहाँ पर सूचना PRV को मिल गई थी, PRV पहुँच गई और अपनी स्थानीय पुलिस भी पहुँच गई। मौके से 3 लुटेरे पकड़ लिए गए थे। फिर जब इन तीनों लुटेरे से पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने चौथे का नाम बताया जो कि अमन था, और चौथे जो लुटेरा है अमन, उसको भी चिलकाना पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। जी थाना क्षेत्र सरसावा के 4 रहने वाले हैं। क्या पहले कोई आपराधिक इतिहास? जी हाँ, इसमें से 2 का पुराना आपराधिक इतिहास है। सर, इन्होंने तमंचा कहाँ से खरीदा, कहाँ से ये लेकर? इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके द्वारा 2-3 नाम बताए गए हैं। अभी उनका बेसिकली ये वेरीफाई नहीं हो पाया है कि जो उन्होंने बताया वो ठीक है नहीं ठीक है, वो हमारे विवेचना का इशू है। उसको विवेचना में लाकर हम जहाँ से इनका सोर्स है तमंचे का, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। क्या कोई एजुकेटेड भी है सर इनमें? जी नहीं, ऐसी अभी तक इनके द्वारा पूछताछ बताया गया था, पढ़े लिखे नहीं है। सर, क्या इस तरह की घटना इन्होंने पहले भी किया, कोई लूटपाट की जो सरसावा से चिलकाना तक आए हैं? हाँ, इनसे पूछताछ की है तो एक हमारे रामपुर में इन्होंने बताया गया है, इन्होंने एक एडमिट किया है कि इन्होंने रामपुर में भी इसी टाइप की घटना करी थी आज से 4-5 महीने पहले। तो उस घटना के अनावरण को भी लेके इनकी रिमांड ली जाएगी और वो जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी उसको भी रिकवर कराया जाएगा रिमांड पे लेके। इसने अच्छा फुटबॉल किया है सर। जी क्या कुछ इनाम? जी हाँ, इसमें SSP सहारनपुर सर को मैंने रिकमेंड किया है कि जो टीम इसमें रही है, इन्वॉल्व रही है, इवन जो हमारे PRV वाले हैं जो वहाँ पे सूचना पाते ही पहुँच गए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।